दोस्तों एनएसपी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रफीक। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कैसे डिकेट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ डेटा पहले से टाइप करके रखे हैं, जो कि हमारा एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डिजाइनेशन है, सेल्स अक्टूबर 2022 का है और ये नवंबर 2022 का है। तो हमें क्या करना है, जैसे देखिए हमें यहाँ यूज करना है डिकेट फॉर्मूले का। डिकेट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे वीलुकअप होता है ना एक फंक्शन फॉर्मूला, उसी तरह से वीलुकअप के बदले आप डिकेट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो चलिए हम करके देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा टाइटल है ना, इसको हम जो है ना कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो कॉपी करने के लिए चाहे तो सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी कर सकते हैं, या फिर ऐसा सेलेक्ट करने का डायरेक्ट बटन क्लिक करके जो है यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो हमने कॉपी कर लिया। करने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें जो है ना यहाँ पर हमें यूज करना है डिकेट फॉर्मूले का। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मैनुअली हम जो है ना एक एम्प्लॉय आईडी जो है कोई भी एक टाइप कर देते हैं यहाँ से, जो जो आईडी हमने यहाँ दिया यहाँ में से किसी एक को यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो है ना A002 है, जैसे ये हमने एम्प्लॉय आईडी ले लिया। लेने के बाद अब हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर करना है डिकेट फॉर्मूले का। तो उसके लिए हम टाइप करें इक्वल, उसके बाद हमें टाइप करना है डिकेट, देखेंगे इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देना। अब मांग रहा है डेटाबेस, तो हमारा डेटाबेस कौन सा, ये जो हमारा टेबल है ना ये पूरा हमारा डेटाबेस हो जाएगा। उसके बाद हमें जहाँ तक हमारा डेटा है वहां तक सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको लॉक करना है ये डेटा रेंज को, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, F4 की प्रेस कर देंगे, देखेंगे ये हमारा लॉक हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कोमा, कोमा के बाद अब क्या मांग रहा है, फील्ड। तो हमें फील्ड में देना है क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय नेम है, तो यहाँ पर हम दे देंगे एम्प्लॉय नेम। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से देना है कोमा। अब क्या मांग रहा है, यहाँ पर मांग रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम किसके बेस पे देना चाहते हैं, हम एम्प्लॉय आईडी के बेस पे देना चाहते हैं, ये एम्प्लॉय आईडी दोनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से F4 की प्रेस करके इस रेंज को भी हम लॉक कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो देखेंगे यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर जैसे देखेंगे कि हमारा एम्प्लॉय जो टू ये जो है ना A002 आईडी है, तो क्या नाम से देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, देखेंगे अगर सब पे ये फॉर्मूले का अप्लाई करना हो, जो डिजाइनेशन पे है, सेल्स पे है, अक्टूबर पे है और नवंबर 2020 पे, हम चाहते हैं सब पे करें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे है ना क्लिक करना, उसका यहाँ पतला सा चिन्ह आएगा, इसे हमें ड्रॉ करते हुए चले आएंगे, देखेंगे ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा, देखेंगे कि एम्प्लॉय आई डी A002 है, तो उसका नाम क्या है यहाँ पर आ जाएगा, कौन सा इसमें काम करता है, सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से हम देते हैं 3 पे कौन है, देखेंगे उसका भी नाम आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सारा अप्लाई हो चुका है। एक तो इस तरह से है कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को आप मैनुअली टाइप करके ले सकते हैं, जैसे हमने 3 दिया, उसके बाद क्या है हमें देना है 4, तो यहाँ पर देखेंगे 4 भी आ जाएगा जिसका भी एक मैनुअली। और दूसरा क्या है कि आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके भी आप जो है ना एक ही तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना जो है डिकेट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी पे जाना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेना, यानी जितने भी हमारा एम्प्लॉय आईडी है इसका। तो हमें क्या करना होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए, तो हमें क्या करना, सबसे पहले जहां पर भी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना होता है जिस सेल पे, वहां पर ऐसे क्लिक कर देना है। उसके बाद चले जाना है डेटा पे, डेटा पे जाने का दिया है डेटा वैलिडेशन, इसमें जाएंगे 3 ऑप्शन आएगा, सबसे पहला डेटा वैलिडेशन, दूसरा आएगा सर्किल इनवैलिड डेटा, उसका क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स, देखेंगे 3 ऑप्शन। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, इस पे चले जाना है। जाने के बाद इस तरह से हमारा सामने डेटा वैलिडेशन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें फिर से 3 ऑप्शन आएंगे, एक है सेटिंग, उसके बाद इनपुट मैसेज, दूसरा है एरर अलर्ट। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर जाना है सेटिंग में, उसके नीचे देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने 2 जो है ऑप्शन रहेगा, सबसे पहला अलाउ, दूसरा है डेटा, देखेंगे कि हमारा जो अलाउ ये हाईलाइट कर रहा है, जो डेटा है वो हाईलाइट नहीं करना है, तो अलाउ पे जाना है। जाने के बाद इस जो एरो दिख रहा है ना यहाँ पर, देखेंगे एक एरो दिख रहा है, तो यहाँ पर हम जो ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है लिस्ट को। उसके बाद लिस्ट को जो ही हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा सोर्स का, इसमें क्लिक करना है। करने के बाद तो हमें सोर्स कहाँ से देना है, हमें जो है ना क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर देख ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय आईडी का, तो क्या करना है, ये एम्प्लॉय आईडी के नीचे आईडी को नहीं लेना है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ऊपर लिखा हुआ है इसको नहीं लेंगे, उसके नीचे जितना भी डेटा हमारा रहेगा सबको ले लेना है, क्योंकि हमें जो है ना ये एम्प्लॉय आईडी का जो है उसका हमें वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं
पूरा इस तरह से देखेंगे, उसके बाद क्या करना है यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक ड्रॉप डाउन का जो बटन वो क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से आप जो है मैनुअली नहीं, आप यहाँ से जो है ना टाइप नहीं करके आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे डीगेट फॉर्मूले का, तो यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल, फिर हम टाइप करेंगे डीगेट, उसके बाद क्या करना है यहाँ से ब्रैकेट क्लोज सॉरी ओपन करना है, उसके डेटाबेस में ये हमारा पूरा टेबल आ जाएगा। उसके बाद हम F4 की प्रेस करके इसको इस रेंज को लॉक कर देंगे, फिर हम कॉमा देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या मांग रहा है फील्ड, फील्ड पे आ जाएगा एम्प्लॉय नेम, उसका दे देना यहाँ से कॉमा, उसका फिर यहाँ क्या मांग रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में आ जाएगा मेरा एम्प्लॉय आईडी, ये नीचे तक जो है ना हमें दोनों को लेना है। F4 की प्रेस कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा। तो उसमें जो पहला वाला मैं बताया क्या था, यहाँ पर मैनुअली टाइप करना पड़ता था। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर दिया, इसमें से जिसको भी आपको फाइंड आउट करना है वहां पर क्लिक कर देंगे, उसका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो क्या करना है इस फॉर्मूले को, चलिए हम सभी डेटा पे फिर से जो ना सभी डिजाइनेशन सेल्स अक्टूबर का है, नवंबर का है, ये सब में हम अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है इस तरह से फिर हम ड्रॉप डाउन करके लेके चले आएंगे लेफ्ट से राइट की, और देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय का आईडी है इसमें से जिसका भी फाइंड आउट करना चाहिए, 2 का देते हैं, तो इसका नाम क्या है, कौन सा डिजाइनेशन है, और सेल्स कितना किया है अक्टूबर में, नवंबर में कितना किया है, यहाँ पर सारे डिटेल्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप भी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से वीलुकअप के जगह डिकेट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड किसी भी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।